तो क्वेश्चन हमारा ये था कि इफ यदि ग्रुप का ऑर्डर 28 है तो वो सिंपल होगा या नहीं। तो सिंपल ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो जिनके पास कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो। तो ग्रुप का ऑर्डर 28 है, इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 7। तो एन टू की बात करें तो एन टू यानी 1 प्लस 2 के जो कि 7 को डिवाइड करता है, तो यहाँ से हमें एन टू की वैल्यू 1 और 7 आ जाएगी। और N7 जो कि 2 स्क्वायर को डिवाइड करना चाहिए, तो यहाँ से K की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो दिस मीन्स N7 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो N7 1 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? यूनिक सब ग्रुप मिल गया 7 ऑर्डर का। तो अगर कोई भी सब ग्रुप यूनिक हो तो वो नॉर्मल होता है। यूनिक सब ग्रुप मिल गया 7 ऑर्डर का, तो इसका मतलब 7SSG हो गया ना ये, तो ये जो कि 7SSG जो कि नॉर्मल हो जाएगा। तो यानी कि इसका हमें एक देयर एग्जिस्ट ए प्रॉपर सब ग्रुप, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7। ठीक है ना, नो दिस इज नॉट सिंपल। तो एक तो इसमें आपको मिलेगा सेवन ऑर्डर का सब ग्रुप मिल गया, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप मिल गया, और इसमें एक नॉर्मल सब ग्रुप और मिलेगा, देयर एग्जिस्ट ए प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 14। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन था कि इफ ग्रुप, यदि ग्रुप का ऑर्डर 28 है तो क्या वो सिंपल होगा? तो आंसर है नो, वो सिंपल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ग्रुप का ऑर्डर 28 लिया जाए तो आपको एक 7 ऑर्डर का प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मिल जाता है, और इसके अलावा आपको एक 14 ऑर्डर का भी नॉर्मल सब ग्रुप मिल जाएगा, 14 ऑर्डर का भी नॉर्मल सब ग्रुप मिल जाएगा। तो इसलिए सिंपल नहीं है। अब जैसे कैसे पहचानेंगे आप सिंपल नहीं है? कुछ जो इसके लिए रिजल्ट्स हैं, तो वो रिजल्ट्स मैं बताता हूं। ग्रुप का ऑर्डर, ठीक है, अगर ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर है, पी मतलब पी यहां पर प्राइम है, ठीक है, ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर है तो वो सिंपल नहीं है। ठीक है, नॉट सिंपल केस बता रहा हूं। अगर ग्रुप का ऑर्डर पी टू द पावर एन है, जहां पे एन ग्रेटर देन 1, ठीक है, पी प्राइम नंबर, पी प्राइम, तो वो सिंपल नहीं है। ग्रुप का ऑर्डर अगर पी क्यू है, जहाँ पी और क्यू डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, पी क्यू डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, प्राइम्स डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, और पी लेस देन क्यू है, पी लेस देन क्यू है, ग्रुप का ऑर्डर पी क्यू हो, पी और क्यू डिस्टिंक्ट प्राइम्स हो, पी लेस देन क्यू है, तो भी सिंपल नहीं होगा, नॉट सिंपल। ग्रुप का ऑर्डर अगर पी स्क्वायर क्यू होता है, वही बात, पी और क्यू डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, पी और क्यू डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, पी और क्यू, पी कॉमा क्यू आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स, डिस्टिंक्ट प्राइम्स,
जी इज नॉट सिंपल। ग्रुप का ऑर्डर अगर ऐसे लिया जाए, p टू द पावर n और q टू द पावर m, p और q जो है डिस्टिंक्ट प्राइम्स है, ठीक है। अभी सिंपल नहीं होगा, इज नॉट सिंपल। ग्रुप का ऑर्डर अगर p1 p2 just pr कर लीजिए, फिर ये सारे डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, p1 इज लेस देन p2 इज लेस देन just pr, तब भी जो है ग्रुप जो है सिंपल नहीं हो। फिर से एक बार सुन लीजिए कि अगर ग्रुप का ऑर्डर, नोट कर लीजिएगा ध्यान से, सारे रिजल्ट्स हैं ये, अगर ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर होता है जहां पी प्राइम नंबर है, देन जी इज नॉट सिंपल। पी टू द पावर एन फिर एन इज ग्रेटर देन वन, तब भी चीज नॉट सिंपल। ग्रुप का ऑर्डर अगर पी क्यू होता है जहां पर पी और क्यू डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं और पी लेस देन क्यू है, देन अगेन ग्रुप इज नॉट सिंपल। पी स्क्वायर क्यू है, नॉट सिंपल। ग्रुप का ऑर्डर अगर पी टू द पावर एन क्यू टू द पावर एम है, नॉट सिंपल। अगर पी वन पी टू पी आर जहाँ p1, p2, pr डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, p1 लेस देन p2 एंड लेस देन pr, तो भी जो है एक और इसका, अगर ग्रुप का ऑर्डर pqr है, pqr जहाँ pq r डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं और p लेस देन q लेस देन r, ठीक है, तब भी ग्रुप सिंपल नहीं होगा। ये सारा मैं बता रहा हूं, केस बताया मैंने नॉट सिंपल, इन केसेस में ग्रुप सिंपल नहीं होता, ग्रुप सिंपल नहीं होता, नॉट सिंपल। सिंपल मतलब इट हैज नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, नॉट सिंपल मतलब इट हैज प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। और भी देखिए रिजल्ट्स, एक ऑड टेस्ट है, इसको बोलते हैं ऑड टेस्ट, ऑड टेस्ट। तो ऑड टेस्ट क्या है, अगर ग्रुप का ऑर्डर, ऑड टेस्ट ये है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर आ गया, ग्रुप का ऑर्डर टू एन के फॉर्म में है, अगर ग्रुप का ऑर्डर टू एन के फॉर्म में है, वेयर एन जो है, एन जो है ऑड नंबर है, ठीक है, देन जी इज नॉट सिंपल, देन जी इज नॉट सिंपल, नॉट सिंपल। तो ये कहलाता है ऑड टेस्ट। जैसे आपसे कोई पूछे कि 202 ऑर्डर, ठीक है, 202 ऑर्डर का ग्रुप है, ये सिंपल होगा कि नहीं, तो आप बताएंगे सीधा सीधा कि ये हो जाएगा 202 को लिखा जा सकता है
टू टाइम्स 101, टू टाइम्स ऑड नंबर, ठीक है। तो ऑड टेस्ट के अकॉर्डिंग ये सिंपल नहीं है, नॉट सिंपल, नॉट सिंपल। ऑड टेस्ट के बाद है एक इंडेक्स थ्योरम है, इंडेक्स थ्योरम, इंडेक्स थ्योरम, इंडेक्स थ्योरम। इफ जी इज ए फाइनाइट ग्रुप, इफ जी इज ए फाइनाइट ग्रुप, इज ए फाइनाइट ग्रुप एंड H is a proper subgroup, is a proper subgroup, proper subgroup of G such that G is a finite group and H is a proper subgroup of G such that order of G does not divides, देखिए इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ H इन G इसका फैक्टोरियल है, या ना फैक्टोरियल ऑफ इंडेक्स, ये इंडेक्स का फैक्टोरियल है, देन H contains, H contains, H contains a non-trivial, contains a non-trivial, non-trivial normal subgroup of G, normal subgroup of G. In particular, G is not simple. G is not simple. ध्यान से समझिए इंडेक्स थ्योरम फिर से। इंडेक्स थ्योरम कहता है कि G आपका फाइनाइट ग्रुप है, H उसका प्रॉपर सब ग्रुप है, कुछ इस तरह से कि G का ऑर्डर इंडेक्स के फैक्टोरियल, मतलब इंडेक्स ऑफ H इन G, इंडेक्स ऑफ H इन G के फैक्टोरियल को डिवाइड नहीं करता, ग्रुप का ऑर्डर इंडेक्स के फैक्टोरियल को डिवाइड नहीं करता। ध्यान रखिएगा इंडेक्स के फैक्टोरियल की बात हो रही है, इंडेक्स के फैक्टोरियल को डिवाइड नहीं करता, तो ग्रुप जो है सिंपल नहीं होगा, ग्रुप जो है सिंपल नहीं होगा। तो ये दो थ्योरम बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक तो ऑड टेस्ट और दूसरा एक इंडेक्स थ्योरम। इसके अलावा कुछ और जो जानकारी आपको होनी चाहिए, अगर हम कहें ग्रुप का ऑर्डर अगर प्राइम नंबर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ग्रुप का ऑर्डर अगर प्राइम नंबर है, पी जहां पे प्राइम नंबर है, ठीक है, जैसे मैंने कह दिया कि ग्रुप का ऑर्डर जो है 7 है, ठीक है, 29 है, ठीक है, तो क्या वो सिंपल होगा या नहीं होगा? तो इसका आंसर है कि वो सिंपल होगा। अगर ग्रुप का ऑर्डर अगर प्राइम है,
ठीक है, ग्रुप का ऑर्डर अगर प्राइम है तो वो सिंपल होगा, देन जी इज सिंपल। देखिए ये सारे केसेस मैंने बताया जब सिंपल नहीं होगा, अगर ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर हो गया तो वो सिंपल नहीं है, पी टू द पावर एन हो गया जहां पे एन ग्रेटर देन वन है स्ट्रिक्टली तो वो सिंपल नहीं है, लेकिन अगर यही एन की वैल्यू वन हो जाए तो वो सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि पी इज इक्वल टू वन पे वो सिंपल हो जाएगा, या एन इज इक्वल टू वन पे वो सिंपल हो जाएगा, तो वो सिंपल हो जाएगा। चलिए और भी पॉइंट्स, एक है गैलवा थ्योरम। गैलवा थ्योरम ये कहता है कि एन अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑन एन सिंपल, इस सिंपल फॉर एन ग्रेटर आर इक्वल टू फाइव। सो अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑन एन सिंपल इज सिंपल फॉर एन ग्रेटर इक्वल टू फाइव। अब बची बात हमारे पास गैलवा थ्योरम से, तो पता चल गया कि ए फाइव ए सिक्स वगैरह ये सारे सिंपल हैं। क्या क्या बचे, पहला बचा आपका क्या क्या बचा? सर, A1, A2, A3, A4। ए टू ए थ्री ए फोर, यस सर। अब इनके बारे में नहीं बात है। ठीक है, तो इसको हम लोग चेक करके देख सकते हैं कि ए वन ए टू ए थ्री जो है ना ये सारे सिंपल है। ठीक है, केवल सिंपल क्या नहीं है, ए फोर नॉट सिंपल, ये सिंपल नहीं है, नॉट सिंपल, इसके पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा गैलवा थ्योरम। इसके अलावा हम बात करें, जैसे अल्टरनेटिंग ग्रुप की बात किया हमने, तो हम बात करें एसएन की, सिमेट्रिक ग्रुप ऑन एन सिंबल। तो जब एन ग्रेटर इक्वल टू थ्री होगा, ठीक है ना, तो इज नॉट सिंपल, इज नॉट सिंपल, तो ये सिंपल नहीं रहेगा। बचा क्या क्या हमारे पास, एस वन और एस टू। एस वन और एस टू, थ्री या थ्री से ऊपर तो बता ही दिया सिंपल नहीं है, एस वन और एस टू ये सिंपल है, दीज आर सिंपल सिंपल ग्रुप। अब बात करें अगर हम डायहेड्रल ग्रुप की, बात करें अगर हम डायहेड्रल ग्रुप की, ठीक है, डीएन डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू एन, जहां पर अगर एन की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू टू है, ठीक है, इज नॉट सिंपल, इज नॉट सिंपल, ये सिंपल नहीं है। जनरल लीनियर ग्रुप की बात करें, जी एल एन एफ, ठीक है, एन ग्रेटर आर इक्वल टू टू, ये भी सिंपल नहीं है, इज नॉट सिंपल, इज नॉट सिंपल। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए क्या क्या मैंने बोला। मैंने बताया, हमने क्वेश्चन से स्टार्ट किया कि अगर ग्रुप का ऑर्डर 28 है तो वो सिंपल होगा या नहीं। आंसर है कि वो सिंपल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें
दो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मिलेंगे, एक 7 ऑर्डर का और एक 14 ऑर्डर का, तो इस वजह से सिंपल नहीं होगा। कुछ रिजल्ट्स थे कि अगर ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर है तो सिंपल नहीं होगा, ग्रुप का ऑर्डर अगर पी टू द पावर एन है, पी प्राइम नंबर है, एन ग्रेटर देन वन, तो सिंपल नहीं होगा, ग्रुप का ऑर्डर पी क्यू है, पी और क्यू डिस्टिंक्ट प्राइम्स है, पी लेस देन क्यू है, तो सिंपल नहीं होगा, पी क्यू आर है, पी लेस देन क्यू लेस देन आर, तो सिंपल नहीं होगा, पी स्क्वायर क्यू है तो सिंपल नहीं होगा, पी टू द पावर एन क्यू टू द पावर एन के फॉर्म में है ग्रुप का ऑर्डर तो सिंपल नहीं होगा, पी वन पी टू डैश डैश पी आर है तो जहां पे पी वन लेस देन पी टू लेस देन पी थ्री डैश डैश पी आर है तो सिंपल नहीं होगा। एक ऑड टेस्ट था, ऑड टेस्ट में अगर ग्रुप का ऑर्डर टू टाइम्स ऑड मल्टीपल है, मतलब टू टाइम्स इंटू ऑड नंबर, तो वो सिंपल नहीं होगा। इंडेक्स थ्योरम ये कहता है कि अगर ग्रुप के फाइनाइट ग्रुप के पास एक कोई प्रॉपर सब ग्रुप है और ग्रुप का ऑर्डर इंडेक्स के फैक्टोरियल को डिवाइड नहीं करता तो भी ग्रुप सिंपल नहीं होता। हमने बात किया कि अगर ग्रुप का ऑर्डर जो है प्राइम नंबर है तो वो सिंपल होगा। गैलवा थ्योरम कहता है कि ए एन इज सिंपल फॉर एन ग्रेटर इक्वल टू 5, तो बचे जो हमारे पास ए वन ए टू ए थ्री और ए फोर, उसमें से ए वन ए टू ए थ्री सिंपल होते हैं और ए फोर जो है सिंपल नहीं होता। एस एन की बात करें तो एस एन जो है एन ग्रेटर इक्वल टू 3 के लिए सिंपल होता है, नॉट सिंपल होता है, नॉट सिंपल। बी एन इज नॉट सिंपल फॉर एन ग्रेटर इक्वल टू 2, जनरल लीनियर ग्रुप नॉट सिंपल। और पॉइंट्स देखता हूँ, एक क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि एक ग्रुप का ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर जो है 210 है, 210 है, तो क्या वो सिंपल होगा? देन इज इट सिंपल, तो क्या ये सिंपल ग्रुप है? अंशिका, यस सर, नो सर, सर सिंपल नहीं है, सिंपल नहीं है, नो सर, नॉट सिंपल, यस सर। किस रिजल्ट से? ऑड टेस्ट, यस सर, नॉट सिंपल। अगर ग्रुप का ऑर्डर हम दें 216, ग्रुप का ऑर्डर 216, तब बताइए सिंपल होगा या नहीं? ग्रुप का ऑर्डर देते हैं 216, तो 216 को आप क्या लिखिएगा प्राइम फैक्टर के फॉर्म में? टू क्यूब इंटू थ्री क्यूब, ठीक है सर। तो अभी मैंने बताया कि आपको एक रिजल्ट क्या था इसमें, अगर पी टू द पावर एन, ठीक है, इस फॉर्म में है,
तो नॉट सिंपल, ठीक है, नॉट सिंपल। अगर ग्रुप का जी ऑर्डर, सर, ग्रुप का ऑर्डर अगर 216 हो गया, ग्रुप का ऑर्डर 300 ले लीजिए, 300, तब बताइए। सर एम एन इक्वल भी हो सकते हैं। एम और एन इक्वल हो जाए। यस सर, सर पी रेस्ट टू पावर एम इनटू क्यू रेस्ट टू पावर एन लिखे हैं ना आपने। हाँ, इक्वल है, इक्वल है, हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पी क्यू वाला भी तो लिखा होगा, देखिए पी क्यू वाला भी लिखा होगा ना, यहाँ देखिए पी क्यू लिखा है ना, एम एन इक्वल है ना, यहाँ पे यस सर, इक्वल है, 1 है, इसमें भी इक्वल है। अब हम 300 पूछ रहे थे ना, 300 पे, ठीक अब बताइए सिंपल होगा कि नहीं। नो सर, नॉट सिंपल, नो सर, कैसे? सर इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, 2² 5² और into 3, तो डिस्टिंक्ट प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फिर नहीं, इसका रिजल्ट तो कुछ था नहीं, ऐसा तो कोई रिजल्ट था नहीं, ऐसा कोई रिजल्ट था? वैसे तो नॉट सिंपल रिजल्ट करेक्ट है, चेक करिएगा कैसे ना। K4 बताइए सिंपल होगा कि नहीं, K4 पता है ना क्या होता है, यस सर, K4 बताइए सिंपल होगा नहीं, K4 सिंपल और नॉट सिंपल और नॉट नॉट सिंपल। इट सर इज नॉट सिंपल। नॉट सिंपल, ठीक यस सर, क्योंकि उसका ऑर्डर 4 होता है ना। पी स्क्वायर के फॉर्म में। चलिए यस सर, बता दिया आपने तुरंत। सर एक जो आपने रिजल्ट लिखा ना, पी इंटू क्यू इंटू आर फॉर्म में है, तो वो नॉट सिंपल होगा सर। वो इस हिसाब से तो नहीं है, पी रेस्ट टू पावर ए, क्यू टू रेस्ट टू पावर बी एंड आर रेस्ट टू पावर सी, क्योंकि सर वो सिमिलर हो जाता है ना। आपने दो रिजल्ट लिखे ना साथ में, अगर ग्रुप का ऑर्डर जो है इस फॉर्म में है, P1 × P2 × P3 सो ऑन अप टू PR, प्रोडक्ट की फॉर्म में है, और P1 < P2 < P3 और मतलब आर पी आर, और आपने एक इसका सिमिलरली लिखा कि अगर ग्रुप का ऑर्डर P × Q × R है, तो और जो वहां पे P < Q है और < R है, तब भी वो नॉट सिंपल होगा। तो सर ये तो सिमिलर ही हो गया ना। के वाला करें इसके लिए, ठीक नहीं सर, वो जो पीछे आपने रिजल्ट लिखे हैं, ये सर इसके लिए, तो सर ये बनेगी ना इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, 2² × 3 रेज़ टू पावर 1 × 5² यस सर, नहीं, ये इसको सर। इसको बताना पड़ेगा इंडेक्स थ्योरम के हेल्प से, इसीलिए मैंने दिया ना इसको करने के लिए, ये वाला बताना पड़ेगा इंडेक्स थ्योरम की हेल्प से, ठीक है, ये वाला कहाँ गया, ये इंडेक्स थ्योरम की हेल्प से बताइएगा, पता चल जाएगा। यस सर, ठीक।
इंडेक्स थ्योरम, ये है, सपोज जी इज फाइनाइट ग्रुप, सपोज दैट जी इज फाइनाइट ग्रुप, जी इज ए फाइनाइट ग्रुप एंड पी इज द स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर ऑफ, एंड पी इज द स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप. Suppose that G is a finite group and P is the smallest prime divisor of order of group, then a subgroup H of index P in G is normal in G. मतलब कह सकते हैं एंड हेंस G is not simple. Suppose that G is a finite group and P the smallest prime divisor of order of group. Then a subgroup H of index P in G is normal in G and hence is not simple. मतलब आपको इतना चेक करने की जरूरत है कि G is a finite group and P is the smallest prime divisor of order of group. P is the smallest prime divisor of order of group. Then G is not simple. तो ये हमने डिस्कस किया सिंपल ग्रुप के बारे में. एक एग्जांपल दूं आपको कि अगर ग्रुप का ऑर्डर 30 है तो क्या वो सिंपल होगा. ग्रुप का ऑर्डर अगर 30 है तो क्या वो सिंपल होगा, यस या नो? नो सर. नहीं होगा सिंपल. नो सर. नॉट सिंपल. क्यों सर? P1 into P2 अगर distinct prime है तो 2, 3, 5 ये ना, इस वजह से PQR. यस वेरी गुड. अच्छा, ग्रुप का ऑर्डर मान लीजिए 36 है तो, ग्रुप का ऑर्डर 36 है तो, तब भी नहीं होगा सर. तो ये भी P to the power m, Q to the power m के फॉर्म में, हाँ n m के फॉर्म में आ गया. चलिए ठीक है, सिंपल ग्रुप के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को ना.